नाम है प्रेम मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रेम मिश्रा फिटनेस। दोस्तों मुझसे जुड़े रहने के लिए हमारा फेसबुक पेज जरूर लाइक करें और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों हम हाजिर हैं अपने पहले जिम वीडियो के साथ जो कि नोएडा सेक्टर 56 के अंदर है, स्पार्टन जिम इसका नाम है। अगर आप इस जिम में आके वर्कआउट करना चाहें तो इसका लिंक मैं एड्रेस जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं विद पुलअप्स। दोस्तों पुलअप्स सबसे बेसिक साइज है आपके वार्म अप के लिए जो कि बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। हम जितना इंपॉर्टेंस जो है पुशअप को देते हैं हम उतना ही इंपॉर्टेंस हम पुलअप्स को भी देते हैं। दोस्तों पुलअप्स मारना ज्यादा टफ होता है एज कंपेयर टू पुशअप क्योंकि आपको अपना एग्जैक्ट बॉडी वेट ऊपर की तरफ खींचना होता है। दोस्तों अगर आपका वेट और आपके शोल्डर्स आपके आर्म्स स्ट्रॉन्ग नहीं है यानी सारे इक्वलाइज पोजीशन पे नहीं है तो आपको इसको लेके बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों इसके अंदर हम बात करते हैं क्या सही तरीका है और क्या गलत तरीका है जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं हम मिस्टेक्स को लेके कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। कई बार लोगों को पुलअप्स मारना आ जाता है फिर भी वो ओवर कॉन्फिडेंट होकर बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हैं जिन्हें उन्हें नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि पुलअप्स जो है कैसे कैसे मिस्टेक्स में आप इन्वॉल्व कर लेते हैं पुलअप्स के अंदर। तो देखिए दोस्तों सबसे पहला मिस्टेक आपका होगा ये गलत, पुलअप्स बिल्कुल भी ऐसे नहीं मारना है आपको। दूसरा होता है दोस्तों ये भी गलत, पुलअप्स भी चाहे नीचे से चाहे ऊपर से आपको आधा आधा नहीं करना है, आपको कंप्लीट पूरा पुलअप्स मारना है। और आजकल ना इंस्टाग्राम और फेसबुक के जरिए एक बहुत सारा ना फैशनेटेड ट्रेंड चल चुका है, वो ट्रेंड को फॉलो करते करते लड़के कई सारे नए नए अलग अलग तरीके की टेक्निक्स फॉलो कर रहे हैं जो कि गलत है। वो लोग उस वीडियो को डालते हैं तो वो मोनेटाइज करते हैं और उससे वो पैसा कमाते हैं, लेकिन आप लोग इसको बिल्कुल भी ट्राई ना करें। वो क्या चीज है मैं आपको दिखाता हूं, कुछ ऐसे ये सारी चीजें से आप अपने जॉइंट्स के साथ खेल रहे हैं और एक नया होता है कुछ ऐसा, ये लिया ये बेवकूफी है, ये आप जॉइंट्स के साथ खेल रहे हैं। आप 100 टाइम बहुत अच्छा कर लेंगे लेकिन वो एक टाइम आपका आएगा जिससे आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। तो दोस्तों इस चीजों को बिल्कुल अवॉइड करें, पुलअप जब भी करें कंप्लीट पूरा करें। मैं आपको दिखाता हूं इसको कैसे करना है और क्या इसके फर्दर चीजें रहती है। फ्रेंड्स जब भी आप पुलअप्स मारें बॉडी को पूरा नीचे छोड़ें, अगर आपको लगता है कि नीचे से आपका मोशन बॉडी स्टेबलाइज नहीं हो रहा है तो आप अपने दोनों पैरों को ऐसे क्रॉस भी कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से ये लिए पैर क्लोज कर लें, इससे आपकी बॉडी को स्टेबलाइजेशन मिल जाएगा और आप अच्छी तरह से अपनी बॉडी को स्टेबलाइज कर पाएंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि कई लोग स्ट्रेट पुलअप्स लेते हैं और कई लोग आर्क मूवमेंट में पुलअप्स लेते हैं। तो कई सारे लोग बोलते हैं कि अगर आप आर्क मूवमेंट में पुलअप्स लेंगे तो आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर बिगड़ेगा या फिर ये खराब होगा। बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्योंकि हमारे चेस्ट पे उस पर कोई वेट नहीं होता है, हम फ्री वेट पे होते हैं। जैसे कि डाउन होने में हमारी बॉडी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ऐसे स्ट्रेच करने में भी हमारी बॉडी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चाहे आप ऐसे पुलअप लें या फिर आप ऐसे पुलअप लें, दोनों ही चीज आपके लिए बेहतर है। तो दोस्तों कभी भी एक्सरसाइज के साथ आप फैसिनेटेड उसको जो है फैंटेसी वर्ल्ड में ले जाने की कोशिश ना करें, बिल्कुल जो उसका एकदम ओल्ड स्कूल मेथड है उसी को फॉलो करें। इंस्टाग्राम यूट्यूब और फेसबुक में जो नए नए ये जो बंदे आते हैं जो बहुत फिटनेस मॉडल है उनको ट्राई करने की कोशिश ना करें, उनका वैसा करना किसी एक वीडियो के अंदर उनको पॉपुलरिटी दिलाता है, आपको वो पॉपुलरिटी नहीं मिलेगी अंटिल अनलेस आप उस लेवल पे नहीं होते। तो दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत बेसिक वीडियो कैसी लगी आप मुझे जरूर बताएं। ध्यान रखें कि आप अगर इस पे एक्सपर्ट होंगे पहली बात आप जितनी प्रैक्टिस करते चले जाएंगे आप उतना एक्सपर्ट इसके अंदर बन पाएंगे। दूसरी चीज आपका बॉडी वेट भी बराबर होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप
5758 के हैं और 100 केजी के हैं, तो आप कहेंगे कि प्रेम भाई ने बोला है कि रेगुलर पुलअप्स मारने से आप जो है बहुत ज्यादा पुलअप्स मार पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। इसके लिए आपको अपना बॉडी वेट डाउन करना पड़ेगा जिससे कि आपकी बाजू जो है उसको उठा सके। दोस्तों कैसे लगी आपको ये वीडियो हमें जरूर बताएं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, हिट द लाइक बटन, कमेंट डाउन बिलो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू, स्टे फिट, रूल द आई। जय हिंद।